जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ के मड़ई मेले है ना और पर्व के बारे में MCQ करेंगे। जब भी आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मड़ई मेले से प्रश्न देखने को मिलते हैं। और ये जो मड़ई मेला वाला प्रश्न है और जनजातियों का पर्व है, उसमें आपको याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जो हिंदी कैलेंडर है ना, जो इसमें चैत बैसाख जेठ आषाढ़ फागुन इस प्रकार से लिखा रहता है, उस किस माह में कौन सा त्योहार होता है ना। यदि आपने पूरे 12 माह का याद कर लिया, मतलब आपसे एक दो नंबर छूटने वाला नहीं है। हर एग्जाम में इस सेक्शन से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल हम MCQ के माध्यम से कर रहे हैं। इसके बाद यदि आप कमेंट करके बताएंगे या फिर हमको समय मिला तो जरूर इसका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि माहवार किस जनजाति द्वारा कब कब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हम आज का सीधा वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। नवरात्रि के दौरान महासमुंद जिले में मनाया जाने वाला मेला का नाम बताइए। बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। यदि आप छत्तीसगढ़ के रहते हैं तो आपको पता होगा कि जो माँ बम्लेश्वरी है ये डोंगरगढ़ में है, महासमुंद में नहीं है, ठीक है। राजिम मेला हमारे धमतरी में है, ठीक है। शिवरी नारायण मेला जो है कहाँ पे है, ये जो शिवरी नारायण है आपके जांजगीर चांपा में है, और ये जो नारायणपुर हमारे नारायणपुर जिला में है। बचा क्या, खल्लारी, यही महासमुंद है। तो इस प्रकार से कुछ एलिमिनेट करके भी आप प्रश्न बना सकते हैं। मे बी ऐसा कोई प्रश्न आ गया जो आपने पढ़ के नहीं गया है, लेकिन कुछ स्थान विशेष भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर भी आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। राजिम कुंभ मेला किस हिंदू तिथि से प्रारंभ होता है? तो राजिम मेला पुराने सरकारों ने इसको बहुत ही मान दिया था, माघी पूर्णि मेला कहा था इसको। इस अर्थात ये माघ पूर्णिमा से शुरुआत होता है और कब तक चलता है, ये हमारे चलता है एक पर्व होता है ना आगे जिसमें भगवान शंकर की पूजा होती है, उस समय तक ये चलते रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको महाशिवरात्रि कहते हैं, ठीक है। माघी पुण्य से स्टार्ट होकर महाशिवरात्रि तक चलता है ये, ठीक है। ये महाशिवरात्रि तक चलता है और जो महाशिवरात्रि है वो मेरे ख्याल से फागुन में होता है, ठीक है, फागुन में होता है। तो चलिए ये हम इसका प्रश्न तो हमने आंसर निकाल लिया, आगे देखते हैं। श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राजीव मेला कब भराता है? भराता है मतलब कब आयोजित होता है। कई बार आपको छत्तीसगढ़ के जो लैंग्वेज है उसको भी आपको पकड़ना पड़ेगा। अब इसमें कहा गया है कि कब भराता है, इसका मतलब है कि कब आयोजित हो जाता है, कब आयोजित होता है या फिर किस तिथि से ये स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था माघ पूर्णिमा से, यहाँ से स्टार्ट होता है और महाशिवरात्रि में जाके इसका अंत हो जाता है, मतलब माघी पूर्णि का जो मेला है महाशिवरात्रि तक चलते रहता है। राजीव मेला का समापन कब होता है? तो ये होता है हमारे महाशिवरात्रि के दिन। हर साल शिवरी नारायण मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो शिवरी नारायण जो है जांजगीर चांपा में आता है, तो ये जांजगीर चांपा में आयोजित होता है। हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित होता है? अब आपको इसमें समय पूछ दिया गया, तिथि पूछ दिया गया ना, कि जो राजिम जो शिवरी नारायण का मेला है वो कब होता है। ये होता है आपके माघ पूर्णिमा में, ठीक है, कि कब होता है आपके माघ पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा में होता है। जिला बोले तो जांजगीर चांपा जिला। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथी प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को निम्नलिखित स्थानों में मेला आयोजित करते हैं। यदि इस प्रश्न को आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप इसको बनाइए। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि कबीर पंथी और गिरौदपुरी का कोई लेना देना नहीं है, तो वैसा ऑप्शन जिसमें ब होगा वो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए में ब है काट दीजिए, ऑप्शन बी में ब है काट दीजिए, ऑप्शन डी में ब है काट दीजिए। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है सी, तो यही मेरा सही उत्तर होगा। नहीं जानते हैं तो भी राइट करके आगे निकल जाइए, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो कबीर पंथी का जो मेला है वो कुदूरमाल और दामाखेड़ा में होता है। कुदूरमाल कहाँ है? कुदूरमाल हमारे कोरबा जिले में है, ठीक है। जो कुदूरमाल स्थान है कोरबा जिले में है, जबकि जो दामाखेड़ा है वो बलौदा बाजार भाटापारा जिले में है। जो दामाखेड़ा है जहाँ कबीर पंथियों के जो गद्दी में बैठते हैं वो लोग दामाखेड़ा में निवास करते हैं और दामाखेड़ा में मेला लगता है।
और ये भी आपको पूछा जाता है माघ पूर्णिमा, है ना, ये याद रखिएगा। देखिए एक ही प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि ये माघ पूर्णिमा को स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन होता है? गिरौदपुरी जो मेला है वो किस तिथि में चलता है? तो जो गिरौदपुरी मेला है वो फाल्गुन पंचमी के दिन आयोजन किया जाता है। गिरौदपुरी जो मेला है फाल्गुन पंचमी के दिन आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा माघ मेले से संबंधित नहीं है? इसमें से जो कौन सा माघ मेले संबंधित नहीं है? अभी हमने देखा है जो गिरौदपुरी का जो मेला है वो फाल्गुन में होता है, ठीक है। बाकी जो है हमारे माघ पूर्णिमा से संबंधित है। राजिम, शिवली नारायण और सिरपुर, इसमें माघ के समय मेला भराता है। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? तो सबको पता है कि वर्ष में 2 बार मेला लगता है आपके बम्लेश्वरी में, एक बार कुंवार में और एक बार चैत में। चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो ये जो चंपारण मेला है, जो हमारे चंपारण जो एक संत थे वहां से संबंधित है, तो ये हमारे रायपुर जिले से संबंधित है। ये सभी जितने भी प्रश्न आपको कराया जा रहा है वो किन्हीं न किन्हीं वर्ष पूछा गया प्रश्न है। इस राज्य का श्रृंगी ऋषि मेला का स्थान है। श्रृंगी ऋषि जहाँ से महानदी का उद्गम है, ये है हमारे सिहावा पर्वत धमतरी, सिहावा पर्वत धमतरी से, ठीक है, सिहावा पर्वत धमतरी जिला से संबंधित है। सिहावा जिला धमतरी के श्रृंगी ऋषि का मेला कब आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है माघ पूर्णिमा मेला में। देखिए माघ पूर्णिमा से बहुत सारे आपको प्रश्न बनने वाले हैं, तो इसको कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए कि माघ पूर्णिमा में यहाँ यहाँ मेला आयोजित होता है। इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान पर होता है? इस राज्य में कर्णेश्वर मेला जो है धमतरी में होता है, ठीक है, धमतरी में कर्णेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। बड़े भजन का रामनामी मेला किस माह में लगता है? बड़े भजन का जो रामनामी मेला है वो हमारे पौष माह में होता है, ठीक है, ये जो हमारे कब होता है, पौष माह में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मेले एवं उससे सुमेलित नहीं है? गिरौदपुरी मेला, फाल्गुन पंचमी, बिल्कुल सही है। महादेव घाट कार्तिक की कैसे याद रखेंगे? एक महादेव पिता का नाम और पुत्र का नाम कार्तिक, ये दोनों सही है। श्रीनारायण मेला आषाढ़ मौसम में और राजिम माघ में, तो राजिम भी सही है, नागपंचमी वाला भी सही है, कार्तिक भी सही है। श्रीनारायण का जो मेला है वो आषाढ़ माह में नहीं लगता है ना, आषाढ़ अमावस्या में श्रीनारायण का मेला नहीं लगता। श्रीनारायण का मेला का जो आयोजन है वो माघ पूर्णिमा को होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा माघ पूर्णिमा में श्रीनारायण का मेला भरा था। अगला प्रश्न, बड़े सॉरी रिवर्स हो गया, अब आपको इसमें मिक्स करना है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि महादेव पिता का नाम है और कार्तिक बेटे का नाम है, सबसे पहले हम इसको अटैम्प्ट मिला लेते हैं, मतलब ब का एक होना चाहिए। देखिए ब का एक किसमें है, मात्र केवल ऑप्शन इसमें है, इसको ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी और डी लिख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कैसे पता चला? हमको ये फिक्स पता है कि महादेव मेला कार्तिक पूर्णिमा में आने वाला है और ब का एक केवल डी ऑप्शन में है, इस प्रकार से ये पूरे के पूरे सही हो गए, तो इस प्रकार से आपको बनाना था। अब देखिए राजिम मेला का हो जाएगा माघ पूर्णिमा, ये हमको भी पता है राजिम मेला माघ पूर्णिमा होता है। डभरा का जो मेला है, ठीक है, डभरा और खुटी घाट का मेला, डभरा और खुटी घाट का मेला, तो डभरा का जो मेला है वो रामनवमी में होता है और खुटी घाट का जो मेला है वो बसंत पंचमी में आयोजित किया जाता है। चंपारण का मेला, सिरपुर का मेला, महाशिवरात्रि का मेला और जन्माष्टमी मेला रायगढ़, ठीक है। तो जन्माष्टमी कब होता है? जन्माष्टमी जहां तहां हमारे बरसात के समय होता है, और बरसात का अर्थात होता है हमारे, बरसात का मतलब होता है भादो, ठीक है, बरसात का मतलब होता है भादो, तो हम सबसे पहले जन्माष्टमी को भादो से मिला देते हैं, ये मिल गया।
अब डी का दो कहीं पे है क्या? डी का दो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये पूरा प्रश्न मेरा सही हो गया। अब बाकी को आप चाहो तो मिला लो, ठीक है, बाकी को आप चाहो तो मिला लो। जैसे बी के हिसाब से 1/3 हो जाएगा, 1/3 का मतलब है चंपारण का जो मेला है माघ में होता है, ठीक है, सिरपुर का मेला बैशाख में होता है, और महाशिवरात्रि का जो मेला है वो फाल्गुन में होता है। ये फाल्गुन कैसे आ जाता है हमको कि जो हमारे जो फाल्गुन त्योहार है जिसको हम होली कहते हैं वो महाशिवरात्रि के 10-15 दिन के अंतर में होता है, ज्यादा दिन के अंतर इसमें नहीं रहता, इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मड़ई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? अर्थव्यवस्था से, सांस्कृतिक क्रिया से, जीवन साथी चयन से, या उपरोक्त सभी में से? तो जो मड़ई का जो कार्यक्रम है हमारे सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। बस्तर में दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है? ठीक है, बस्तर के दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई का आयोजन 9 दिनों तक चलता है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, 2021 में पूछा गया प्रश्न हो। कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जो नारायणपुर का जो मेला है, सॉरी मड़ई भूख लगे है ना, तो जो कोंडा गांव का है ना, जो फागुन मड़ई मेला में होता है कोंडा गांव में। कोंडा गांव है कहाँ? कोंडा गांव है आपके, एक मिनट ना, आपको मड़ई पूछा गया ना, सर्वाधिक मड़ई, ठीक है, नारायणपुर, नारायणपुर है, ठीक है, तो ये नारायणपुर का जो मड़ई है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। फाल्गुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है आपके कोंडा गांव में। फाल्गुन मेला मड़ई का जो आयोजन है वो कोंडा गांव में मनाया जाता है। निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? देखिए इस प्रश्न को 20, 20, 19, 17, 10 और न जाने इसके बाद कई बार व्यापम में भी पूछा गया है इससे संबंधित। तो जो चक्रधर समारोह है हमारे रायगढ़ से संबंधित है, ठीक है, जो चक्रधर समारोह है हमारे रायगढ़ से संबंधित है। जाजल देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? कुरुद, कवर्धा, जांजगीर, जशपुर। सबको पता है जो जाजल थे वो हमारे जांजगीर को बसाए थे, इसलिए ये जांजगीर से संबंधित है। और ये जाजल देव कौन है? तो ये हमारे जो इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास में किस वंश से संबंधित है ये कमेंट करके बताइए। जो जाजल देव संबंधित है हमारे त्रिपुरी वंश के बाद जो हमारे वंश जो आया था है ना, उस वंश को आप ध्यान से देखिए और नाम बताइए कि ये किससे संबंधित है हमारे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव इनमें से किस स्थान पर कब मनाया जाता है? जगदलपुर, ये इसमें से कौन से स्थान? छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोक महोत्सव, आदिवासी लोक महोत्सव कब मनाया जाता है? तो आदिवासी लोक महोत्सव हमारे मनाया जाता है सोना खाम 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। प्लस ये सोना खान जो बलौदा बाजार में है, बलौदा बाजार भाटापारा जिला में है। छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन है वो 6 फरवरी को सिरपुर में किया जाता है, ठीक है, 6 फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आपके सिरपुर में होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट दशहरा, बस्तर की दशहरा से संबंधित एमसीक्यू लेकर, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो आप, यदि आपको वीडियो को कंटेंट पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये जो पुस्तक हम ये जो डेटा हमने जो लिया था वो एक विनय कुमार पाठक की जो पुस्तक है वहां से लिया था, ये बहुत फेमस किताब है, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है।